दोस्तों यहाँ पे हम लोग मोह दिए हैं खाने के लिए, और इधर हमारी काली खा रही है, और इधर सब हिल्ला की थी तो हम काली काल सब फेंक दिए हैं, तो यहाँ पे सब घास दिए हैं। और ये है मेरा सोलर प्लेट, तो पानी बंद है इस टाइम। और इधर पक्षी कितना सुंदर उड़ रही हैं। तो इधर हमारा चना आप लोग को दिख रहा होगा, बड़ा हो चुका है और फूल फूल भी लेने वाला है। ये कावली चना है, इसमें मम्मी कहीं कहीं डाल दी है धनिया का पेड़, जो कि धनिया भी बड़ा बड़ा है, ऐसे हो जाएगा खाने लायक। तो अभी हम चलते हैं, आप लोग को हम मूली का फूल दिखाते हैं। ये रहा मूली का फूल, हम आप लोग को पास से चल के दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं, ये रहा मूली, और मूली में से पेड़ ऐसे निकल के आ चुका है फूल पे। फूल इसका कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग बताइएगा। अभी हम चलते हैं चीकू के लिए घास लाने, मरचा के खेत में, वहाँ मेरी मरचा है। तो अभी हम चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं, मरचा मेरा पक रहा है। और इधर मेरा गेहूं कुछ इस प्रकार हो चुका है, आप लोग को दिख रहा होगा। और इधर बोया गया है मेरा गेहूं, और वहाँ पे हरा हरा दिख रहा होगा। और ये रहा चना, तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा बो दी थी चना, ये वाला तो फूलने वाला है, तो मम्मी दोबारा बो दी थी थोड़ा सा चना बाकी था। वहाँ पे थोड़ा सा मटर, उसके आगे तीसी और मसूरी। इतना बड़ा खेत में चार बिस्सा में मम्मी ये सब बो दी हैं। तो हम लोग आ चुके हैं, और इधर थोड़ा सा एक पेड़ मटर कितना सुंदर फूला हुआ है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने खेत में। तो उस टाइम हम आप लोग को पिछले ब्लॉग में देख सकते होंगे, छोटा छोटा मरचा था और कितना फर्रा था। अब मरचा आप लोग देख रहे हैं, पत्ता दिख रहा है, सिर्फ मरचा है, और मरचा में केवल बहुत कच्चा भी होगा लेकिन पका है। सभी पेड़ में बहुत ज़्यादा मरचा पक चुका है, आप लोग को रेड रेड दिख रहा होगा, पत्ता कम अब केवल मरचा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम इसी में आए हैं चीकू के लिए दूध लेने, और यहाँ पे वासुदेव भगवान दिख गए, मतलब पीपल का पेड़। और यहाँ पे देखिए ये दूब है, तो इसी को हम लेके चलेंगे चीकू को देने के लिए, क्योंकि दूब ही खाता है, आप लोग को पता ही होगा खरगोश क्या खाते होंगे, रैबिट। तो इधर हमारा बैगन का पेड़ है, इस टाइम बैगन मम्मी इस टाइम हम लोग तोड़ने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बैगन का तो सब्जी खाने का मन नहीं है। ये रहा बैगन, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे बैगन है, और बैगन का क्या हाल है, गोला वाला भी बैगन है और लंबा वाला भी। तो गोला वाला तो सब खराब हो जा रहा है, और ये भी वाला खराब हो जा रहा है, ऐसे ही है। आप लोग के यहाँ इसका पेड़ होगा तो बताइएगा कमेंट में करके। तो कहीं कहीं फर भी रहा है, कहीं कहीं नहीं फर रहा है, यहाँ से वहाँ तक पेड़ लग गया हो था, लेकिन फरने का कोई नाम निशान नहीं है, कहीं कहीं फर रहा है और फल रहा है। तो ये हालत है बैगन का, देखिए ऐसी हालत है, कौन खाएगा, सड़ जा रहा है बैगन। और हमारा इस प्रकार रहर हो चुका है। तो हम दूब चीकू के लिए लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने घास ले लिया है, तो अभी हम लेके चलते हैं घास को।